So yes, magnetic field of electric current. So in the today's topic, we will be doing magnetic field at the center of the current carrying circular loop. So basically, आपके बुक में पहले आर्क का बताया है, उसके बाद में सर्कुलर लूप को डायरेक्टली बता दिया है फॉर्मूले के बेस पर, राइट? सो हम क्या करेंगे, दोनों को प्रूफ करेंगे, सर्कुलर लूप को भी करेंगे और एक आर्क को भी करेंगे, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस, सी, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर में सर्कुलर लूप के. तो लेट्स से एक सर्कुलर लूप है. सर्कुलर लूप मतलब एक वायर है जो सर्कुलर शेप का है और इसके अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है? तो इसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक? तो यहां पे सेंटर में वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग. अभी लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद लाइक वी हैव डन विद द बायो सेवर्ट्स लॉ. एंड इन बायो सेवर्ट्स लॉ हमने ये पढ़ा था कैसे हम जो है कोई भी अगर एक वायर होता है, एनी शेप वायर है, और उसके एक पी डिस्टेंस पे हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल कंसिडर करते थे, है ना? डीएल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करते थे, हम बोलते थे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, विच इज प्रपोर्शनल, विच इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट, यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. यही था ना फॉर्मूला हमारा, ओके? तो ये तो था फॉर्मूला, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए था जो इस पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होगा छोटा सा. अगर मुझे टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड. ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इसमें भी जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और जो है डीएल का टर्म खाली अंदर रह जाएगा, क्योंकि उसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगा, राइट? ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो है इस चीज को भी हम परफॉर्म करेंगे. एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा वाला कपड़ा किधर गया? चलो ठीक है, सी. सो अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से आई करंट कुछ हमने फ्लो किया इसके अंदर, राइट, इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर करता हूं, मान लो इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया, सेंटर से ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा पोजिशन वैक्टर आर, बराबर. ये क्या हो गया हमारा पोजिशन वैक्टर हो गया इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट पी तक, जो कहां पर है, सेंटर में है, राइट. अभी ये लेंथ एलिमेंट डीएल है, अभी आप जरा देखोगे तो लेंथ एलिमेंट डीएल इस डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो बेसिकली एंगल कितना बन रहा है उनके बीच में, आप समझे कैसा है, जैसे कि ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, राइट, इस डायरेक्शन में. तो मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया ना, अब वो लेंथ एलिमेंट में जो देखो आप हमेशा रखना, जो डीएल अभी हमें पता है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, उस फॉर्मूले में जो हमारा डीएल क्रॉस आर था, है ना, मतलब यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था किसके बीच में था, डीएल के बीच में और आर के बीच में, राइट, एक सेकंड, ओके, डीएल और आर के बीच में हमारा जो था ये, ओके, अभी ये डीएल और आर जो है वो ना, व्हाट इज दिस, डीएल इज द लेंथ एलिमेंट, आर इज माय रेडियस वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में ये एंगल था. तो अगर आप देखोगे तो मैंने इस छोटा सा लेंथ डीएल लिया, तो ये जो डीएल का डायरेक्शन लेते हैं हम बच्चों, ये करंट के डायरेक्शन में लेते हैं इसको हम लोग, कहाँ पे लेते हैं, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा डीएल इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, रेडियस वेक्टर ऊपर की तरफ, इट मेक्स एंगल हाउ मच, 90 डिग्री, बेसिकली एंगल बनाता है, तो हमारा साइन थीटा 1 हो जाएगा फिर से उसके अंदर, ओके. तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा, जरा आप ध्यान दो, तो हम राइट हैंड थंब रूल का अगर यूज करें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, किसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, तो राइट हैंड थंब रूल का जब आप यूज करोगे यहाँ पे, तो थंब इस तरफ जा रहा है, बराबर, ये थंब क्या है अभी, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना. मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, कैसे आ रहा है अंदर से, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा, कहाँ पे आएगा, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अंदर से बाहर आ रहा है ना, राइट, तो कैसे आएगा वो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कहाँ पे होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है. वही चीज अगर आप यहाँ पे लो लेंथ एलिमेंट डीएल छोटा सा यहाँ पे लो, अगेन ये आपका पोजिशन वैक्टर आर हो जाएगा, राइट, फिर इसे आप यहाँ पे करोगे तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अभी फिर से देखो ये कर्ल फिंगर कैसे आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, फिर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ से, तो मतलब एक छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट डीएल था इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है. वैसे ही अगर मैं कहीं पे भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल लू, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां पर आएगा, बाहर की तरफ. तो इनका ओवरऑल इफेक्ट लेने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
और सबका ओवरऑल इफेक्ट कहाँ पे आने वाला है मेरा, बाहर की तरफ ही आने वाला है, ठीक है, सेंटर में। तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो सी, सो वी विल से दैट जो हमारा डीबी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इफ यू रिमेंबर, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने लिखा था, क्रॉस प्रोडक्ट बताओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, किसके बीच में, डीएल के बीच में और आर के बीच में, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। ओके, अभी मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर में, है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको क्लोज लूप के लिए, ठीक। तो यहाँ पे छोटे से लेंथ एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था डी बी, ओवरऑल का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो टोटल इंटीग्रेशन ये देगा मुझे बी। यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमको बाहर ले लो, म्यू नॉट, करंट भी, करंट हर जगह कॉन्स्टेंट है, करंट को बाहर ले लिया मैंने। आर, रेडियस हर जगह कॉन्स्टेंट है हमारा, सर्कुलर लूप ले रखा हमने, ये आर बाहर आ गया, ये आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, फोर पाई भी बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बच गया सिर्फ, अच्छा साइन टीटा की बात करें, एंगल कितना बन रहा भी होता है हमने 90, तो वो तो वन हो गया, तो बचा कौन अंदर सिर्फ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। यहाँ पे लिख दो सिंस साइन टीटा इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख दो सीधा, टीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या लिख दो सिर्फ, टीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अभी देखो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, राइट, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा। टोटल लेंथ क्या है, ये एक सर्कल, एक लूप बन रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल लेंथ मिलेगा ना, और टोटल लेंथ कितना होगा, 2πr डिवाइड बाय 4πr क्यूब। अच्छा ये एक r और ये एक r, और यहां से दो r कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 1 2 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
पाई कट हो गया, सिर्फ बचा 2R। तो बच्चों दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब आप एक चीज याद रखना, आपने लास्ट क्लास में किया था मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट वायर, है ना, याद है? एक स्ट्रेट वायर लिया था, उसके एक पॉइंट पी लिया था, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था एट अ डिस्टेंस आर, उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था याद है? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इस फॉर्मूले से उनमें क्या फर्क है? सिर्फ पाई का फर्क है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम सर्कुलर लूप लेंगे तो पाई का टर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो लॉजिकली भाई सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, पाई पाई क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई का टर्म इसके अंदर सर्कल में पाई नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखना है, फॉर्मूला दोनों का एज इट इज सेम बन रहा है। ये हो गया एक कंप्लीट सर्कल के लिए। अगर यही चीज हम करेंगे एक आर्क के लिए, जैसा कि आपके बुक में स्टार्टिंग पार्ट वही दिया हुआ, राइट? तो बुक में आपके दिया है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर, ठीक है? मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व करो, सुनो। खाली बेहतर लिखता हूं किसके लिए? सर्कुलर आर्क के लिए। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, अब जरा यहां ध्यान दो। लेट्स से ये मेरा एक आर्क है, ठीक, ये सेंटर हो गया हमारा, ये क्या हो गया? अच्छा, इसको आप जब पूरा घुमाओगे तो एक सर्कल मिल जाएगा, पर हमने सिर्फ एक आर्क ले रखा है। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा मेरा आर, जो कि क्या होगा मेरा रेडियस, ठीक है ना? ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे टीटा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है उसको मैं एल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? मेरे आर्क का लेंथ। आर्क का लेंथ हमने क्या कंसिडर कर लिया? एल कंसिडर कर लिया। फिर से मुझे क्या करना है? अब देखो, मैं फिर से फाइंड आउट करूंगा क्या मैग्नेटिक फील्ड। हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल लेंगे, बराबर, उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड जनरेट होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पे? इस सेंटर पे। तो फिर से आप लिखोगे, बता था ना अभी, लॉजिकली डायरेक्ट आएगा, देख ले। सी डीबी जो है मेरा डीबी, अभी हमें वो टीटा के टर्म्स में चाहिए। कैसे चाहिए? टीटा के टर्म्स में।
तो एक्चुअली मैं करूँ तो इधर पे ही सॉल्व हो जाएगा वो। सी हम उसको टीटा के टर्म्स में लेंगे, बराबर। प्रॉब्लम ये होगा कि मेरा जो ये डीएल जो है, बराबर, ये डीएल हमारा बच जाएगा, क्योंकि डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल 2 पाई आर नहीं मिलने वाला है अभी, क्योंकि उसी बाहर के है ना, बराबर। तो आपने क्लास 11 में सीखा था, क्या सीखा था? टीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, रिमेम्बर। अच्छा, आर क्या है? मेरा लेंथ है, तो टीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आर को इधर लेके आ जाओ तो एल कितना होगा? टीटा टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पे आप एल की जगह पे लिखो टीटा टाइम्स ऑफ आर, मतलब वो टीटा का टर्म उसके अंदर आ जाएगा, जो कि आपको देखो बुक में भी दिया हुआ है ना। तो फॉर्मूला पूरा वही है, खाली आपको क्या मिल जाएगा, एक टीटा का टर्म मिल जाएगा, और ये जो फोर था हमारा, जो ये 2 से कट होके 2 आ गया था, वो 4 एज इट इज रह जाएगा। करता हूं मैं सॉल्व, देखो। तो डीबी क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो यू राइट डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन टीटा बाय आर क्यूब। एंगल तो अभी भी 90 बनने वाला है हमारा, चाहे छोटा सा आर्क लो पूरा लो, ठीक। तो साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे टोटल फाइंड आउट करने के लिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए आर्क के लिए, तो मैं अभी ये आर्क के लिए निकाल रहा हूँ, ए आर सी लिख देते हैं, आर्क, मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर्क। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, करंट हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आर क्यूब जो है। अच्छा, अभी डिस्टेंस में कैपिटल आर लिया, क्योंकि मैं कैपिटल स्मॉल आर लिया, क्या लिया? कैपिटल आर लिया, तो फिर इसको स्मॉल आर ही रखते हैं, राइट, ठीक है। तो मेरा ऊपर से एक आर, नीचे से एक आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ कौन, सिर्फ डीएल, साइन थीटा तो 1 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, डीएल हमारा लेंथ है, डीएल क्या हमारा, उसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा एल। टोटल लेंथ क्या मिलेगा? सिर्फ यहां से लेके यहां तक, पर वो लेंथ की वैल्यू कितनी है? आर टीटा कितनी है? तो चलो, तो बी आर्क मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर बाय आर क्यूब। इसको इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ एल मिलेगा, पर एल की वैल्यू कितनी है? टीटा टाइम्स ऑफ आर। ये एक आर, ये एक, दो आर कैंसिल, यहां से दो आर कैंसिल, तो फॉर्मूला आया क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर है आर आई, नीचे है आर, और इधर है टीटा। तो ये हो गया मेरा बी आर्क। तो फॉर्मूला वही बना, खाली एक एक्स्ट्रा आपके पास टीटा का टर्म आ गया, और ये 2 जो था वो वहां पे 4 ही है। अरे तो छोटा टीटा बनेगा, छोटा टीटा लिया है, डी टीटा लिया है, तो ये डीएल लेंथ बनेगा, तो टोटल टीटा टोटल 2 पाई आर आ जाएगा। फिर सुनो जरा, बताता तो हूं मैं क्या है। अब जरा ये फॉर्मूले को देखो, ठीक। अब इस फॉर्मूले से मैं 3 चीज बताता हूं। ये मेरा इन जनरल फॉर्मूला है आर्क के लिए। अच्छा, मान लो अगर मेरा जो है वो ऐसे बन गया, ये क्या है मेरा टीटा, कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वार्टर सर्कल है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है ना 1/4 है, क्या ये हमारा 1/4 है। टीटा कितना है मेरा यहाँ पे, कितना है? 90, मतलब पाई बाय टू। 90 मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। जरा ध्यान देना, तो मेरा बी एक्सिस या बी आर्क या फिर नॉर्मल बी लिखता हूं, किसके लिए? क्वार्टर के लिए, 90 डिग्री के लिए, कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट को आपने ऐसे रखा, 4 पाई को भी ऐसे रखा, करंट भी आपका ऐसे ही है, आर भी आपका वैसे ही है, टीटा क्या आ जाएगा? सिर्फ पाई बाय टू। ये पाई कैंसिल, 2/4 जा, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 8, ये म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन आई 8 आर। ये किसके लिए हो गया? क्वार्टर के लिए हो गया। अच्छा, इसको मैंने सेमी सर्कल ले लिया, ये फर्स्ट केस है मेरा। सेकंड, अगर मैंने इसको सेमी सर्कल ले लिया ऐसे ऐसे ले लिया, ठीक है, अभी यहां पे टीटा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई हो गई। क्या हो गई? तो टीटा की जगह पे क्या रखोगे? तो आपको बी आर कितना मिलेगा अभी, या बी बी मैं लिखता हूं पाई के लिए, कितना मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आप कैसे हुआ टीटा के पे रख दोगे, ये पाई से पाई कट गया, बचा क्या? म्यू नॉट अपॉन, सो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, क्या मिला? म्यू नॉट अपॉन पाई म्यू नॉट आई अपॉन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और करते हैं, नीचे दिख रहा है क्या उसमें, यहाँ यहाँ तक ही दिख रहा है,
ई सर्कल नहीं, रब नहीं, तुमको बनाना है ना अभी ये बना, ये रब कर दूंगा, बुक से बना लेना इसको। हाँ इसको रब कर देता हूँ। सी जरा ध्यान देना, अब मैंने ले लिया ऐसे, कैसे लूं मैं, मैंने सिर्फ इतना लिया, ये कितना बन रहा है 270 एंगल कितना बना है ना, हम पढ़ देना 0 π/2 पाए, देन क्या बोलते हैं 2π/3 एंड देन 2π, बराबर। तो वहां पे डेटा कितना हो जाएगा मेरा 2π/3 कितना हो जाएगा, तो उसके लिए कितना आएगा फिर बोलो, बी इज इक्वल्स टू, आपने म्यू नॉट अपॉन 4π ऐसे ही लिखा सब कुछ, म्यू नॉट अपॉन 4π, हाँ आई बाय आर, और ये हो जाएगा 3π/2 बराबर। अच्छा यहाँ पे 2 4 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा मुझे 3, तो ऐसे ही रहेगा 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन, पाई तो हमारा कटा नहीं अभी राइट, अच्छा पाई कट गया, सॉरी पाई कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये मेरा किसके लिए हो गया, फॉर एंगल 270 डिग्री। अच्छा अब आते हैं पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए, किसके लिए कंप्लीट सर्कल के लिए कितना आएगा, 2π आएगा। चलो सो नेक्स्ट फॉर द कंप्लीट सर्कल जो क्या देगा मुझे 2π, तो थीटा की जगह पे 2π रख दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π आई बाई आर 2π बराबर। ये आई पाई पाई कैंसल, 2 1 2 2 जा, बी कितना है बताओ जरा, म्यू नॉट आई अपॉन, तो ये तो वही मिल गया ना मुझे पूरे सर्कल का, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। तो ये तो इन जनरल सर्कल का निकाला था, ये हमने इन सब इन टर्म्स ऑफ सिर्फ टीटा निकाला है, क्या वो तो सेम ही आएगा ना, फुल सर्कल का जो फुल सर्कल का है वो भी हमने 2π फुल सर्कल लिया, तो सेम ही आने वाला है, ठीक है क्लियर है। सो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लिख के ले लो फिर क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में पॉइंट ओ मतलब जो सेंटर पॉइंट है वहां पे आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कितनी है, ठीक दोनों केसेस में। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, तो देखो मेरे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, एक सर्कुलर वायर है सेमी सर्कल इससे भी बनेगा, और फिर से एक स्ट्रेट है इससे भी बनेगा। तो एक्चुअली इस फिगर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये मेरा सेक्शन 1 हो जाएगा, ये सेक्शन 2 हो जाएगा, और ये वाला सेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ दिस वायर, स्ट्रेट वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो आप बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, अगर ये एक वायर है और मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे बताओ एट सम डिस्टेंस आर, तो क्या फॉर्मूला था आपका, मी नॉट आई बाय 4π r, ये फॉर्मूला था। अच्छा ये फॉर्मूला 4 था या 2 था, यहाँ पे कितना आएगा 2। अच्छा कोई मुझे बता सकते हैं यहाँ पे 2 क्यों था, टू क्यों था। देखो हम दो चीजें करते हैं, ये हम बोलते हैं इनफाइनाइट है फ्रॉम बोथ द साइड, बराबर याद है, तो एक्चुअली आया था 4 ही यहां पर दोनों साइड से इनफाइनाइट था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, जितना जितना मुझे यहां पे मिलेगा उतना ही मुझे ऊपर भी मिलेगा है ना, तो ये 2 1 2 2, तो मुझे टोटल आंसर आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2π r। पर अगर मैंने बोला एक वायर है जो सिर्फ एक साइड से ही, कहां से, सिर्फ एक साइड से इनफिनिटी है, एक साइड पे फाइनाइट लेंथ है, एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में 4 ही आएगा, ये बात भी ध्यान रखना, नहीं तो आप क्या खाली एक ही फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे बस ये वाला, रॉन्ग हो गया। क्या समझे यहां पे, अगर वायर एक एंड से इनफाइनाइट है, एक एंड पे वो फाइनाइट है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में जो है आपको 4 आएगा, पर अगर दोनों साइड से जो है इनफाइनाइट है तो ये चीज याद रखनी है, ठीक। तो
मेरे को बताना ये था आपको कि अगर एक वायर है उस वायर, अब ये फाइनाइट इनफाइनाइट जो समझना समझ लो, अब इस वायर पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वायर के स्ट्रेट लाइन में ही ये पॉइंट आ रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसी एक्सिस पे आ रही है जहां पे वायर है। और हमने तो पढ़ा भाई जिस वायर के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, क्योंकि हम किसी डिस्टेंस पे निकालते हैं ना, एट सम डिस्टेंस आर, कोई भी डिस्टेंस ले लो, मतलब पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो ये आर वन आर टू आर थ्री ऐसे डिस्टेंस हो गया, तो मेरा आर जीरो जाएगा ना। अभी फॉर्मूला क्या था मेरा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। बच्चों जब मैंने पॉइंट को उस वायर पे ही ले लिया तो आर की वैल्यू, तो पूरा टर्म जीरो। अब जीरो कंसिडर कर, तो यहां पे हम ये बोल देंगे भाई इस सेक्शन के लिए जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी इतनी हो जाएगी, और सेम इस सेक्शन के लिए भी कितना हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इस सेमी सर्कल के लिए। इसका तो फॉर्मूला भी निकाल रखा था मैंने, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई बाय, तो इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड से भी हो जाएगा। तो आप एक्चुअली इन सबको ऐड करोगे, ये जीरो, ये वैल्यू, ये जीरो। डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, तो आपने करंट इस डायरेक्शन में है ऐसे किया राइट, तो ये ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना। देखो ऐसा घूमेगा तो अंदर से बाहर आ रहा है ना, ऐसे जब वो ऐसे बाहर से तो ये अंदर से बाहर आ रहा है, ये भी ये हमने क्या बोला ये ऐसे है, तो ये ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है वापस सेंटर में कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है वो सेंटर में। अच्छा इसका ना एक लॉजिक बताता हूं मैं, ज्यादा हम ऐसे केसेस में क्या करना होता है ना, देखो अभी एक स्ट्रेट वायर है तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हो है ना, तो आपने बोला कंसिडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन अ राइट हैंड, द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो कर्ल फिंगर ऐसा आ गया तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जब वायर ही हमारा कर्व हो राइट, तो उस केस में क्या करना चाहिए पता है क्या, ये जो फिंगर्स है ना उसको करंट के डायरेक्शन में ले लो, उसको थंब अपने आप तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। देखो जरा इस केस में मैंने कर्ल फिंगर को उसके डायरेक्शन में लिया, थंब किधर गया, तो हो गया ना अंदर, अंदर ही तो जा रहा था हमारा भी ठीक। तो ऐसे केसेस में, कैसे केस में, इन अ केस ऑफ सर्क्यूलर, इन द केस ऑफ यू विल चूज योर थंब एज अ डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको आप फिंगर्स पे ले लो, तो थंब क्या शो करेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एक्चुअली उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हमने थंब को चूज किया था डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं थंब को चूज कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। सो कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शो द डायरेक्शन, अभी यही वो करंट ऐसे जाता तो ये ऐसे हो जाता, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड किधर आता हमारा, बाहर की तरफ ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, देखो अब बात करेंगे यहाँ पे, तो लेट से करंट वायर का करंट का डायरेक्शन दिया नहीं, ये करंट हमारा ऐसे जा रहा है ठीक है, ऐसे अभी इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, एक ये वाला वायर, एक ये सर्कुलर वाला वायर सेकंड, और एक फिर से एक स्ट्रेट वायर थर्ड बराबर। अच्छा ये जो स्ट्रेट वायर है इसका जो करंट है देखो ये कॉइंसाइड हो रहा है उसी सेंटर के साथ, तो इस केस के लिए तो हम यहां पे लिखते हैं द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ विल बी बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। तो बी वन तो कितना हो गया मेरा, प्लस बी टू कितना, बी टू मतलब इस वाले के लिए, अभी टीटा के लिए फॉर्मूला क्या था मेरा बताओ जरा, फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर टीटा लिखा था हमने, ये फॉर्मूला लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, टीटा कितना है मेरा, यहां पर लिख दो थ्री पाई बाय टू प्लस बी थ्री। अब जरा ध्यान देना बच्चों, बी थ्री ये वाला वायर ऐसा जा रहा है बराबर, डिस्टेंस सेंटर यहां पर है तो इसके बीच में डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, समझे कि नहीं समझे, तो ये किसी डिस्टेंस पे है ना। अच्छा यहां पे मैंने वायर शो नहीं किया, ये इस पॉइंट से फाइनाइट इनफाइनाइट है इस पॉइंट से, पर यहां पे तो फाइनाइट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अच्छा रब कर दिया मैंने, कौन सा लगेगा, टू वाला आएगा या फिर फोर वाला आएगा, फोर वाला आएगा, फोर वाला आएगा, तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर राइट, यहां पे हमारा ये पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा थ्री अपॉन एट
म्यू नॉट आई बाय आर, और यहां पर आ जाएगा वही आ जाएगा जो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट लेना चाहो तो कुछ कॉन्स्टेंट ले लो इसमें से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा 4 आर, अंदर बचेगा 3/2 प्लस, इधर पाई नहीं है ना, इधर पाई प्लस 1/5। सही है ना, बराबर। तो ये हो गया यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के ले रहा हूं, मतलब बस आपको फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का दोनों केस में? अब देखो, पहले अगर इस स्ट्रेट वायर की बात करें तो स्ट्रेट वायर में हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। तो थंब किधर आ रहे, देखो बाहर, सॉरी थंब बोल रहा हूँ, फिंगर किधर आ रहे, बाहर की तरफ आ रहे। तो मतलब स्ट्रेट वायर के लिए करंट किधर, डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ पे, बाहर की तरफ, और इस सर्कुलर लूप के लिए। अच्छा सर, किसी का अंदर हो गया तो क्या करते, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता है एक को, तो फिर आप कंसिडर करोगे, अगर आपने बाहर वाले को प्लस लिया तो अंदर वाले को माइनस लेना पड़ेगा, ये भी करना पड़ता है फिर। तो डायरेक्शन देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक, क्लियर है इतना, ये दो क्वेश्चंस हो गए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।